तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है चैंग और ली को, जहाँ पर उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर कोई ओल्ड पर्सन कह रहा होता है कि हे लड़की, आखिरकार तुम यहाँ पर किस तरीके की ट्रबल क्रिएट कर रही हो। जिस पर हम देखते हैं कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि स्यू सिंह होती है, जो कि वहाँ पर थी, जहाँ पर ओल्ड मैन स्यू सिंह को इसलिए बोल रहा था क्योंकि वहाँ पर उसने उसकी किसी चीज़ को, मैंने मतलब किसी थियोरी को गलत बता दिया था। जिसके बाद स्यू सिंह बताने लगती है कि इस पैटर्न के अंदर यह 8 चीज़ें इस तरीके से सेट की जाएंगी, ना कि इस तरीके से जिस तरीके से तुमने इसे सेट किया है। और वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम गलत हो यहाँ पर तो तुम्हें अपनी गलती को मान लेना चाहिए। इस तरीके से चिल्लाने से तुम्हारी गलती की हुई चीज़ें इतनी आसानी से बिगड़ नहीं जाएंगी। जिस पर हम देखते हैं कि चैंग स्यू सिंह को देखते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि यह लड़की सच में कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि अब तो मुझे लगने लगा है कि मुझे इस लड़की से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर चैंग के साथ काफी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और वह सभी इसी लड़की को देख रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्यू सिंह वहाँ पर सारी चीज़ों को इसी तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी, जो कि हमारे लिए इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं इसे स्किप करता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह ओल्ड मैन कहने लगता है वहाँ पर स्यू सिंह से कि आखिरकार तुम जैसी नौसिखिया तुम इस बारे में क्या जानती हो, और अगर तुम यहाँ पर कुछ भी कहोगे तो क्या मैं इस बारे में मान जाऊंगा। जिस पर स्यू सिंह कहती है कि वैसे भी तुम यह मानो या ना मानो, मुझे इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी यह डिसीजन तुम्हारा है कि तुम इसे किस तरीके से सेलेक्ट करते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जाते वक्त स्यू सिंह गुस्से में कह रही होती है कि आखिरकार क्यों, ये बूढ़े स्कॉलर्स अपने आप को इतना ज्यादा ही क्या समझते हैं, वैसे भी इन्हें क्या लगता है कि हमेशा सही सही थे या फिर ये हमेशा से ही सही रहेंगे। जिस पर हम देखते हैं कि चैंग स्यू सिंह को देखकर वहां पर ली से कहता है कि वैसे तुम्हारी फ्रेंड काफी ज्यादा ही कमाल की है। जिस पर ली चैंग से कहती है कि हाँ वैसे थोड़ी कमाल की तो है, लेकिन थोड़ी बहुत ट्रबल भी क्रिएट करती है। जिस पर चैंग अपना फोन निकालता है और ली से कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो तुम जल्दी से उसका वीचैट एड्रेस मुझे दे दो। जिस पर ली कहती है कि आखिरकार तुम अभी उसके वीचैट एड्रेस का क्या करोगे और तुम्हें वो चाहिए क्यों, और वैसे भी तुम दोनों तो अभी एक दूसरे को जानते भी नहीं हो। जिस पर चैंग कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने उसे देखकर इसके बारे में सब कुछ जान लिया है कि वो कितनी ज्यादा स्मार्ट है। जिस बात को सुनकर ली थोड़ा सा घबरा जाती है और वो अपने मन के अंदर कहती है कि आखिरकार इसे क्या हो गया है, कहीं से उससे लव एंड फर्स्ट साइट तो नहीं हो गया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली वहाँ पर चैंग को उसका वीचैट एड्रेस दे देती है और वहाँ पर चैंग उसे उसके साथ अपने वीचैट में ऐड होने के लिए इन्वाइट करता है। जिस पर वेब कहती है कि तुम्हें लड़कियों के साथ इतना ज्यादा भी क्लोज नहीं होना चाहिए, और वैसे भी पता नहीं कैसे तुम इन लोगों को झेल लेते हो, और इसके अलावा तुम्हें इन सारी चीजों से अपना पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो तुम अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पाओगे, जिसके बाद तुम उसे रीसेट कर दोगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है स्यू सिंह को, जहाँ पर वो जैसे अपने फोन को देखती है तो वहाँ पर उसके वीचैट पर चैंग का इनविटेशन आया हुआ होता है, और वो अभी एक बार नहीं बल्कि 700 कुछ बार, और चैंग के इतने सारे इनविटेशन को देखकर तो वो अभी काफी ज्यादा ही हैरान होती है। जिसके बाद वह एक स्माइल करते हुए कहती है कि आखिरकार ऐसा क्या है जो कि मैं इसके बारे में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है चैंग को, जो कि कहता है अपने फोन को देखते हुए कि फाइनली उसने मुझे अपने वीचैट से जोड़ लिया। यह सुनकर ली हैरान होती है और वह चैंग से कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तुम्हें अपने वीचैट से कैसे जोड़ लिया, वो तो किसी को अपने वीचैट से जोड़ने के लिए बहुत मुश्किल से ही तैयार होती है। तभी स्यू सिंह चैंग के पास एक रिप्लाई करती है और वह चैंग से कहती है कि वह चैंग से प्राइवेट में मिलकर कुछ बातें करना चाहती है। जिस बात को सुनकर ली कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने तुम्हें ऐड भी किया और अब वो इतना जल्दी तुमसे प्राइवेट में मिलना भी चाहती है, लेकिन तुम तो कभी उससे मिले भी नहीं हो, और आखिरकार ऐसी कौन सी चीजें जिसे मैं मिस कर रही हूँ। जिसके बाद चैंग रिप्लाई करता है कि जैसे ही यह मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, हम उसके बाद एक दूसरे से प्राइवेटली मिल सकते हैं। जिस बार हम देखते हैं कि ली वहाँ पर एकदम शॉक के अंदर आ जाती है और वह पीछे जाकर बैठ कर कहती है चैंग से कि तुम अभी मेरे साथ हो और उसके बाद भी तुम वहाँ पर उसे प्राइवेटली मिलने के बारे में बात कर रहे हो, तुम तो सच में बहुत ज्यादा ही बुरे हो, आखिरकार तुम यहाँ पर किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर हम देखते हैं वेब को, जो कि यहाँ पर चैंग से पूछती है कि आखिरकार तुम अचानक से उसे मिलने वाले हो, क्या ये यहाँ पर किसी तरीके का कोड वर्ड है जो कि तुमने यहाँ पर यूज किया है। जिस पर चैंग कहता है वेब से कि वैसे इस दुनिया के अंदर 10 का बाइनरी डेसिमल 2 है, और इसी तरीके से दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि यहाँ पर बाइनरी शब्दों को समझ सकते हैं, और कुछ ऐसे जो कि इसे बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर प्रिंसिपल लीन आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर चैंग से कहते हैं कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो यहाँ पर स्यू सिंह के अंदर। जिस पर चैंग कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और वैसे भी वह तो बस मैं उसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहता था। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि वैसे हाँ, वो मेरी भी एक सस्पेक्ट है, मैं भी सोचता हूँ कि कहीं वो एक सर्वाइवल तो नहीं। और चैंग ऐसे ही प्रिंसिपल लीन से बातें कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि चैंग को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है, और ऐसे ही उसी के साथ काफी बड़ी भीड़ आ जाती है प्रिंसिपल लीन के पास, जहाँ पर पर्सन प्रिंसिपल लीन से कहता है कि आपको तो बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ना चाहिए, आखिरकार आप उसे यहाँ पर क्या बता रहे हैं, और आखिरकार क्या आप इन बोरिंग चीजों को कर कर बोर नहीं होते, आइए थोड़ा फन करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग वहाँ पर ली के साथ जाने लगता है, तभी ली चैंग से कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरे डैड की गलती नहीं है। लेकिन अब क्या ही किया जाए, अगर उनके पास थोड़ी बहुत भीड़ है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो काफी ज्यादा ही पॉपुलर हैं।
जिस पर चैंग अपने मन के अंदर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि काश तुम भी ऐसी ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि चैंग जैसा ही ऐसा कहता है तभी वहाँ पर एक बर्तन आता है जो कि ली के पास से भी उठाकर चैंग को फेंक देता है और वह चैंग से कहता है कि ये बच्चे जरा साइड रहो और उनसे जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करो, मुझे यहाँ पर उनसे बात करनी है। और मिसली हमने अपनी चैरिटी की तरफ से एक नई पोएम को क्रिएट किया था, तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़कर बताएंगे कि क्या ये अच्छी है या फिर नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि किले के चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, जिस चीज को देखकर चैंग अपने मन के अंदर कहता है कि सच में यह लड़की तो अपने फादर से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर निकली। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नए पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम चैंग स्यूफिंग है, जो कि यहाँ पर अकेला चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है वो अभी एकेडमी अलायंस का, जो कि वहाँ पर आने के बाद कहता है ली से कि ओ मेरी प्यारी फियोंसी आखिरकार कितना वक्त बीत चुका है जब मैंने तुम्हें देखा था। जिस पर ली कहती है कि अपनी बकवास को बंद करो और आखिरकार मैं तुम्हारी और फियोंसी आखिरकार ऐसा हुआ कब। जिस पर वेब कहते हैं कि ओ इसका एक फियोंसी भी है, उसके बावजूद भी ये इतनी ज्यादा अजीब बिहेव करती है। जिस पर फिंग कहने लगता है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, और वैसे भी हमारी डेस्टिनी बहुत पहले डिसाइड हो चुकी थी और गॉड ने पहले ही सिलेक्ट कर दिया था कि तुम सिर्फ मेरी फियोंसी बनोगी, और वैसे भी तुम्हारे अलावा स्कूल के अंदर कोई ऐसी लड़की नहीं है जो कि इतनी ज्यादा खूबसूरत और फेमस हो, तो भले ही तुम इस चीज को बिल्कुल भी रियल मत मानो लेकिन यही रियलिटी है। जिस पर हम देखते हैं कि वेव कहती है उसे कि आखिरकार ये किस तरीके की बेवकूफ़ भरी बातें कर रहा है, क्या ये कभी किसी बिजली की चपेट में आ गया था क्या। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पीछे खड़ी हुई सभी लड़कियों से कहता है कि तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं यहाँ पर अवेली के लिए एक अच्छा सा प्रेजेंट क्रिएट करने वाला हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि चैंग और वेव वहाँ पर उसे शक की निगाहों से देखने लगते हैं और वह कहते हैं एक साथ अपने मन के अंदर वह भी टेलीपैथी के माध्यम से है कि आखिरकार ये पर्सन किस तरीके का ठहर किया जो कि अपने पीछे इतनी सारी लड़कियों को लेकर घूम रहा है। और इसके अलावा वो दूसरी लड़की को भी फियोंसी कहता है। मुझे तो लगता है कि इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले का दिमाग ही खराब था जो कि उसने यहाँ पर इस तरीके के पागल को यहाँ पर बुला लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने ब्रश को लेता है और वहाँ पर कुछ पेंटिंग जैसा ही करने लगता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका मास्टर पीस जो कि वहाँ पर उसने सिर्फ ली के लिए ही तैयार किया था। जिस पर ली एक कोल्ड लुक देते हुए कहती है कि आखिरकार ये क्या घटिया सा लिखा हुआ है। बट चैंग और वेब इस चीज पर हंसते हुए कहते हैं कि ये तो घटिया सा लिखा हुआ नहीं है बल्कि इसका मीनिंग भी बहुत ज्यादा घटिया है, आखिरकार कोई इतना घटिया लिख कैसे सकता है, एक बच्चा भी इससे ज्यादा ही बेहतर लिखता होगा। जिस पर हम देखते हैं कि फिंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है गुस्से में चैंग से कि तुम्हें बहुत ज्यादा हंसी आ रही है ना, अगर मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन सा जोक चल रहा है जो कि तुम इतने ज्यादा हंस रहे थे, और अगर ये तुम्हें इतना ज्यादा ही मजाकिया लगता है ना तो पहले तुम इसे खुद कर कर क्यों नहीं दिखाते, आखिरकार मैं भी तो देखूँ कि तुम कितना ज्यादा बेहतर कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर फिंग शांत हो जाता है और वो चैंग को घूर कर देखते हुए कहता है कि वैसे मैं काफी टाइम से इस चीज को पूछना चाहता था कि तुम यहाँ पर इतनी देर से क्यों हो और तुम यहाँ पर हमारे बीच में कर क्या रहे हो और तुम्हारा काम क्या है यहाँ पर। जिस पर चैंग कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ओ हाँ, तुम्हें इस बारे में कैसे बताओगा, तुम तो उसकी रियल फियांसी ही नहीं हो। हाँ लेकिन मैं बस तुम्हें यहाँ पर इतना ही बता सकता हूँ कि मैं उसकी मैथ का ट्यूटर हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग वहाँ पर अपने स्टोर में से एक बुक को मंगाता है जिसके अंदर काफी सारी पोएम थी और फिंग ने वहाँ पर जो कुछ किया ना ये उसी के ऊपर ही बेस्ड है, जहाँ पर वे उस सारी पोएम की बुक को ले आते हुए कहती है कि मास्टर ये रही वो आपकी किताबें जो कि आप इस वक्त इसे याद करने वाले हैं, तो आप मुझे बताइए कि मैं आपके माइंड के अंदर इसे किस तरीके से फीड करूँ, थोड़ा थोड़ा या सारा एक बार में ही। जिस पर चैंग कहता है कि तुम सारा ही एक बार में भेज दो क्योंकि मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता इसकी हंसी को गायब करने का। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग उस किताब को इनहेरिट करने के बाद वहाँ पर वही काम करने लगता है जो कि कुछ देर पहले वो कर रहा था। जिस पर हम देखते हैं कि फिंग कहता है कि वो मुझे लगता है कि तुम भी इसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो लेकिन मुझे नहीं पता कि तुमने इसके लिए कभी प्रैक्टिस भी की है, क्योंकि ऐसे ही सोच लेने से यहाँ पर कुछ भी नहीं हो जाता। जिस पर चैंग कहता है कि क्या प्रैक्टिस, मैंने तो यहाँ पर इसे थोड़ी देर के अंदर ही खत्म कर लिया। जिस पर हमें फिंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर चैंग के पास आता है और वो चैंग से कहता है कि अगर ऐसी बात हो तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करते हो, क्योंकि अब जबकि तुमने इस बारे में सोच लिया। जिस पर चैंग अपने मन के अंदर कहता है कि तो काफी ज्यादा ही गलत है क्योंकि यहाँ पर काफी सारी लड़कियां हैं और लड़कियां बहुत जल्दी रूमर को फैलाती हैं, मुझे नहीं पता है लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इस वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर ना हो जाऊं, लेकिन अभी मेरा सबसे ज्यादा मन कर रहा है यहाँ पर इसे बहुत अच्छा सबक सिखाने का। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चैंग वहाँ पर ब्रश को रख देता है और वो कहता है अपने मन के अंदर कि बेहतर रहेगा कि मैं यहाँ पर कुछ लिखूँ ना क्योंकि ये बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है मेरे लिए, लेकिन अगर मैं इस चीज को यहाँ पर सुना देता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा भी बुरा रहेगा मेरे लिए। जिसके बाद चैंग कहता है उन सभी से कि नहीं, मेरे लिखने की स्किल इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं है, मैं बस यहाँ पर नॉर्मली तुम्हें इस चीज के बारे में बताना चाहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग वहाँ पर उसे सुनाने लगता है, जिस चीज को सुनकर ली कहती है अपने मन के अंदर वो अभी खुद को इस तरीके का इमेजिन करते हुए और वो कहती है अपने मन के अंदर कि आखिरकार ये कितना ज्यादा कमाल का है क्योंकि इसे सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथों में पंखे हैं जो कि यहाँ पर पंखे की तरह काम कर रहे हैं। चैंग की पोएम खासकर थोड़ा लव के ऊपर डिपेंड होती है, जहाँ पर चैंग कह रहा होता है कि लड़कियाँ इनके अंदर सुंदरता की ताकत होती है जो कि पूरे देश को अपने अधीन करने की क्षमता रखती हैं और इसी के अंदर काफी सारे खतरे छिपे हुए हैं, जिसका अर्थ है प्यार में पड़ना, अगर मैं प्यार में पड़ गया तो मेरी पढ़ाई में बहुत देर हो जाएगी लेकिन फिर भी मैं पूरे दिल और पूरी आत्मा से
बुढ़ापे तक तुम्हें चाहूंगा। हाँ वैसे कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ पर, मुझे खास तौर पर समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है। और वैसे ये मुझे तो इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। जहाँ पर चैंग कहता है कि हाँ वैसे मेरा खत्म हो गया, यह बात सुनकर फिंग हैरान होता है और हैरानी के साथ कहता है कि तुमने इतना बेहतर कैसे कर लिया। जिसके बाद फिंग पीछे मुड़ता है और वह उन लड़कियों की तरफ देखते हुए स्टाइल मारते हुए कहता है कि हाँ वैसे ये इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था, मेरे जितना तो बेहतर बिल्कुल भी नहीं था। बट तुम प्रशंसा के लायक हो, लेकिन तुम जल्द ही मेरे लेवल पर जरूर आ जाओगे अगर ऐसे ही मेहनत करोगे। बट वहाँ पर सिचुएशन तो फिंग की बातों से एकदम डिफरेंट ही होती है, क्योंकि वहाँ पर खड़ी हुई सारी की सारी लड़कियाँ चैंग को चारों ही तरफ से घेर लेती हैं और वह चैंग की तारीफ करते हुए चैंग की डिसाइपल बनने की बात करने लगती हैं। और वह इस बीच ली को भी धक्के मारकर चैंग से दूर कर देती हैं, जिस पर ली कहती है कि आखिर इसे देखो तो सही, खुद यहाँ पर इतना ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ मेरी फैमिली के ऊपर ब्लेम डाल रहा था कि यहाँ पर मेरी ही फैमिली इतनी ज्यादा पॉपुलर है। और इसी के साथ इस चैप्टर का एंड यहीं पर होता है।